वैसे की वैसे मेंटेन कीजिए, बस आपको जो इच्छा है वो करो, बट यू शुड नॉट कंपेयर योरसेल्फ टू एनीबडी एल्स। मैं दीपक पांडे नवभारत सुपरवुमन कैंपेन में आपका स्वागत करता हूँ। हमारे आज के मेहमान की बात करूँ तो हमारे आज की मेहमान जो है सोलार इंडस्ट्री इंडिया की सीएफओ जॉइंट सीएफओ शालिनी मंदाना है। आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। शालिनी जी, नवभारत के सुपरवुमन कैंपेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सो ये सीएफओ बनने तक की सफर की शुरुआत कैसे हुई? सीएफओ बनने तक, यू कैन स्टार्ट। पहले मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर किया है, मैं बेसिकली गुवाहाटी से हूँ, तो मैंने पढ़ाई वहीं से की है, और उसके बाद शादी होने के बाद मैं नागपुर शिफ्ट हो गई। तो नागपुर में फिर जब जॉब अपॉर्चुनिटीज देखी तो मैंने बैंकिंग सेक्टर चूज किया, सो दैट घर फैमिली लाइफ एंड वर्क लाइफ बैलेंस हो जाए उस प्रोसेस में। तो स्टार्टेड विद अ मल्टी स्टेट चिल्ड्रन कोऑपरेटिव बैंक, वहां से स्टार्ट किया एज ए ब्रांच मैनेजर, एंड मैंने 13 इयर्स वहां अपने दिए हैं, जॉब किए, एंड फाइनली आई गॉट टू द पोजीशन ऑफ जनरल मैनेजर। उस चीजों में मैंने बहुत सारे पोजीशंस भी हैंडल किए एंड बहुत सारी रिस्पांसिबिलिटीज बैंक ने दी थी मेरे को जो मैंने हैंडल की थी। उसके बाद 2016 में आई गॉट द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम सोलार इंडस्ट्रीज इन द फाइनेंस टीम, सो आई ज्वाइन देयर। सो मैंने डीजीएम फाइनेंस एज ए डीजीएम फाइनेंस ज्वाइन किया, एंड लास्ट ईयर कंपनी हैड प्रमोटेड मी एज अ जॉइंट सीएफओ। तो ये बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मुझे फाइनेंस इंडस्ट्री जाना है, या ठीक है जिस फैमिली प्रेशर होता है कई बार, या जिस फैमिली का सपना होता है, इस तरह से कुछ रहा, ये आपका सपना था? मेरा ही सपना था ये फील्ड। तो मेरे फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो मैंने उनको देख के इंस्पिरेशन जो ली, तो मैं जब छोटी थी ना, यूज्ड टू गो उनके ऑफिस जाती थी और फिर उनके चेयर पे बैठ जाती थी, सो द रिस्पेक्ट आई सॉ, द वर्कलोड ही वाज हैंडलिंग, वो सब देख के छोटे से इंस्पिरेशन था कि मेरे को ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो करना ही है। सो जब ट्वेल्थ के बाद जब कैरियर डिसीजन था, तो सेकेंड थॉट ही नहीं था कि कहाँ जाना है। कॉमर्स लिया एंड देन सीए एंड सीएस में दोनों में रजिस्ट्रेशन किया, सो आई एम ऑल्सो क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। तो दोनों प्रोसेस स्टार्ट तभी से, इवन बचपन से ही मेरा सपना था कि मेरे को ये फील्ड में जाना है। ये जिस तरह से आपने शुरुआत में कहा कि लाइफ बैलेंस, लाइक पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, तो क्या कितनी मुश्किलें आती हैं अभी भी, क्योंकि बतौर सीएफओ जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, क्योंकि जितना ऊंची रिस्पॉन्स, जितनी ऊंची सीट मिलती है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। तो बतौर सीएफओ आप किस तरह से अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करती हैं? बात सही है, 19 इयर्स का कैरियर मेरा होने को आया है एज अ प्रोफेशनल, एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर इन लॉ, सब स्टेजेस आए हैं। नो डाउट वर्क लाइफ बैलेंस तो करना ही पड़ता है, बट मैंने शुरू में मेरी प्रायोरिटीज मैंने डिफाइन कर ली थी लाइफ में। तो जब स्टार्टिंग में आई सेड कि मैंने बैंकिंग जॉब लिया, तो आई न्यू दैट प्रायोरिटी फैमिली है मेरी पहले, तो मैंने फिर वहाँ मेरी जिम्मेदारी समझ के, तो मेरी जब डॉटर 5 ईयर्स की हो गई, तब मैं एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जाने लगी, और मैंने फिर अपना लर्निंग कर्व भी इंक्रीज किया। क्या होता है, एक डिग्री तो आप ले लेते हो, बट एज यू ग्रो अप इन द लैडर आपको अपना एक्सपीरियंसेस तो रहता ही, बट लर्निंग इम्प्रूव करना पड़ता है। तो मैं सर्टिफिकेशंस पे गई, मैंने डीसा सीसा सीआईबी अलग अलग सर्टिफिकेशंस किए, वो काफी मदद किए मेरे को लैडर क्रॉस करने में, तो प्रायोरिटी था। सेकेंड है सबसे बड़ी सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट। आई हैव अ गुड सपोर्ट फ्रॉम माय फैमिली, हस्बैंड है, एंड देन फिर फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ ने हर स्टेज पे मेरे को सपोर्ट किया, हर स्टेज। आज भी अगर मेरे को 6 बजे निकलना है, तो माई मदर इन लॉ इज रेडी विद अ कप ऑफ टी फॉर मी। सो इट्स नॉट लाइक कि मैं एक डॉटर इन लॉ हूँ, वो इतना डॉटर जैसे ही मेरे को पूरा ट्रीटमेंट है। एंड मेरी डॉटर आज जो बड़ी हो गई है, मेरे को सीरियसली पता ही नहीं चला, बिकॉज पूरी फैमिली सपोर्ट में थी, इन लॉज पूरे सपोर्ट में थे, उन्होंने सब ध्यान रख के केयर करके। तो इट वॉजेंट अ वेरी टफ फॉर मी, मैं ऑल लेडीज का देखती हूँ और देखती हूँ, बट मेरे लिए सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग था फैमिली से। थर्ड, मैंने लाइफ में जो सीखा है मैनेज इज डेलीगेशन। आप हर काम खुद नहीं कर सकते हो, तो वेदर आपकी टीम, आप अपने टीम डेवलप कर रहे हो, आपके को वर्कर्स है, आपके सपोर्ट सिस्टम, फैमिली सपोर्ट सिस्टम है, वो बहुत जरूरी है। फोर्थ है कि आप जैसे आप जॉब में रहते हो, तो आप जैसे आप एक
रिसोर्सफुल एम्प्लॉय जब बन जाते हो ना, तो कोई भी कंपनी या इंडस्ट्री आपको नहीं जाने दे सकते. तो यू कैन डिस्कस. आज आपको पता है कि आप कभी भी बोल सकते हो कि सर आज मेरी ये प्रायोरिटी है, तो एवरीबडी सपोर्ट्स इन दैट. फॉर एग्जांपल मेरी डॉटर का 10th था 20 में, तो आई हैड डिस्कस्ड विद माय सुपीरियर्स कि मैं 1.5 month का थोड़ा लीव लेना चाह रही थी. तो माय सुपीरियर्स के मैं व्हाई लीव, यू गो फॉर वर्क फ्रॉम होम. तब तो कोविड था नहीं, कंसेप्ट भी इतना नहीं था, बट इमीडिएटली सेड यू कैन वर्क फ्रॉम होम, कोई इशू नहीं, आप अपना काम कर सकते हो. तो दैट इज लाइक आप सपोर्ट, you should have supports, try to get supports, or up when it's always 100% give and take. आप खुद जहाँ 100% दे रहे हो तो आपको support मिल जाता है. Correct. Support से याद आया कि बहुत सारी महिलाएं आगे बढ़ना तो चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको चुनौतियां हैं, कई barricades हैं, किसी तरह बहुत सारी barriers को उनको सामना करना पड़ता है आगे पहुंचने के लिए या किसी मुकाम तक पहुंचने के लिए. तो आपकी नजरिए में वो कौन सी चुनौतियां हैं जो उन्हें फेस करनी पड़ती है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? देखिए, जब अगर मैं टॉप लेवल मैनेजमेंट तक की बात करती हूँ, अगर मैं अपना एग्जांपल लेके, तो जब कोई जॉब स्टार्ट करता है कोई भी प्रोफेशनल, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट उसी लेवल पे बात कर रही हूँ, तो वो सिमिलर लेवल रहता है, मेल या फीमेल यू नो सिमिलर लेवल पे रहते हैं. सेम जॉब आप स्टार्ट करते हो, पढ़ लिख के डिग्री लेके आते हो, बट जैसे आप 4-5 साल के मिड लेवल तक मैनेजमेंट में जाते हो ना, ये देखा गया है कि 50% फीमेल्स वहां से बाहर हो जाती है. क्या हो जा रहा है कि वो शादी हो जाती है, कैरियर चीजें नहीं प्लान कर पाते, वर्क लाइफ इश्यूज है, वो है. एंड जब टॉप लेवल तक जाते हैं तो अभी 15% हार्डली टॉप लेवल पे होते हैं. तो चुनौतियों तो काफी आती है, बट हियर वन ऑफ द फैक्टर इज आप खुद रिस्पॉन्सिबल. आई फील लाइक आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है डिसीजन मेकिंग में. हाँ, आप ब्रेक ले सकते हो कैरियर में, आप स्लो हो सकते हो कैरियर में, बट कैरियर नहीं छोड़ना चाहिए. तो वो एक है कि आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आई हैव टू, आपके कुछ खुद के, आप इंडिविजुअल हो तो खुद के सपने भी होना चाहिए, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर फैमिली, बट आपको सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करके हर चीज करना चाहिए. तो इसमें क्या होता है कि जब कोई एम्प्लॉयर भी रहता है ना ऑर्गेनाइजेशन, तो दे डोंट डिफरेंशिएट रिसोर्स पर, डिफरेंशिएट नहीं होता है. मैंने अपने लाइफ में तो नहीं देखा कि कभी कोई मेल फीमेल पर डिफरेंशिएट होता है. बट अगर खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं हो तो सामने वाले पे भी कॉन्फिडेंस, सामने वाले को आप पे कैसे कॉन्फिडेंस आएगा. तो चुनौतियां आती रहेगी, अपॉर्चुनिटीज भी उसके साथ आती रहेगी, आपके ऊपर है आप कैसे उसको फुलफिल करोगे. करेक्ट. महिलाओं के लिए एजुकेशन कितने इम्पोर्टेंट है आपकी नजर में? अगर जैसे पहले हम बात करते थे कि रोटी कपड़ा और मकान, तो आई थिंक फोर्थ थिंग आई शुड एड इज एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड. बिकॉज एजुकेशन इज द ओनली थिंग जो है वो सब चीज को ओवररूल करके, ऑल वेदर इट्स डोमेस्टिक वायलेंस, वेदर इट्स सेक्सुअल हैरेसमेंट, वेदर इट्स ईट टीजिंग, कोई भी फैक्टर होना, एजुकेशन इज द ओनली बैकग्राउंड जिसके ऊपर हम सब ओवरकम कर सकते हैं. एक अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई रूरल प्लेस है, वहां पे अगर आप बच्चे हैं, लड़का लड़की दोनों है पेरेंट्स को, बट ठीक है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड कोई भी कारण से आप अगर सपोज लड़का स्कूल जा रहा है और लड़की नहीं जा पा रही है, तो लड़के के मन में क्या होता है, आई एम द सुपीरियर वन, आई विल बी गोइंग टू बी द अर्नर इन फ्यूचर, फीमेल्स को तो क्या करना है घर में. वो थॉट अगर चालू हो जाए ना, तो रिस्पेक्ट नहीं रहता फीमेल के लिए. वहां अगर लेवल ऑफ एजुकेशन दोनों बराबर रहे, एवरी फील्ड में रहे, तो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर फीमेल बट फॉर मेल्स ऑल्सो, टू हैव दैट रिस्पेक्ट फीलिंग फॉर फीमेल्स कि हाँ ये भी बराबरी का हिस्सेदार है, ये भी इंडिविजुअल है. एक्सेप्ट फॉर स्ट्रॉन्ग फिजिकल स्ट्रेंथ हम देखते हैं, तो आई डोंट थिंक सो एनी डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल इज देयर. ठीक है, फिजिकली ऑब्वियसली दे आर स्ट्रॉन्ग, बट मेंटली इमोशनली बहुत स्ट्रांग होती है लेडीज. तो एजुकेशन हमको ये सिखाता है कि हमारे लिए क्या राइट है, क्या रॉन्ग है. आज हम पेपर देखते हैं तो हर दिन पेपर में कुछ ना कुछ, कभी डोमेस्टिक वायलेंस, कभी रेप केसेस, कुछ ना कुछ है ही. तो अगर हमको वो स्टॉप करना है, तो वी हैव टू गेट द फीमेल्स एजुकेटेड अलोंग विद द मेल्स. उनकी सुरक्षा को लेकर क्या राय रखती हैं आप एजुकेशन के साथ साथ? जैसे आपने डोमेस्टिक वायलेंस और इन सब चीजों को लेकर कहा, तो ऑफकोर्स आजकल ये कॉमन है, बहुत सारे शहर या बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं इस मुद्दों को लेकर बात होती है, तो उनकी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आपकी क्या राय बनती है? जैसे ना इंडिया में तो हम माता को पूछते हैं ना, लक्ष्मी माता हो गया, दुर्गा माता हो गया, सिर्फ सब हम पूछते हैं, लेकिन वो पूछने तक ही सीमित रह जाते हैं.
जैसे अभी बात की कि हम अगर सोशल मीडिया में देखते डेली कुछ ना कुछ केसेस कुछ चीजें है, तो वो चीज में आई थिंक एजुकेशन तो बड़ा प्ले करता ही है रोल, बट फीमेल्स को वो जागरूकता जो आनी चाहिए, सपोर्ट, फीमेल शुड ओनली सपोर्ट. आज डोमेस्टिक वायलेंस लेते हैं, कोई की डॉटर इन लॉ है तो कोई की डॉटर भी है, आपकी भी खुद की डॉटर होगी, खुद की डॉटर इन लॉ होगी, तो हाउ कैन यू ट्रीट फीमेल तो फीमेल ही, आप खुद एक फीमेल हो. वो सोच बदलना बहुत जरूरी है. वो सोच के लिए हमको हर एक लेवल पे अगर वुमेन एजुकेटेड है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट अर्निंग. हम मैं मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ना है तो सिर्फ अर्न करना है, बट यू हैव टू लिव विद रिस्पेक्ट ऑल्सो. आपको वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है. फिर उसके बाद आती है कि आप हमारे यहाँ जो जुडिशियरी सिस्टम अगर हम बोलते हैं तो वो भी थोड़ा बहुत स्लो पेस पे चलता है. कुछ भी केसेस होते हैं तो उसका क्लोजर हमारी पुलिस सिस्टम, वो थोड़ा स्ट्रांग होना जरूरी है. और थर्ड है कि बिकॉज सोसाइटी में प्रेशर रहता है कि आप अगर कुछ हो गया इंसिडेंट और रिपोर्ट करने जाओगे तो पीपल फील की शेम आप पे होना, लड़की का नाम खराब होगा. अरे क्यों, वाई शुड द पर्सन, उसके साथ तो गलत हुआ ही है, उसके ऊपर ही क्यों आप ब्लेम डालना और उसको ही क्यों हरदम एक फील रहना लाइफ भर का कि आई कुड मतलब हम जस्टिस नहीं कर पाए, मेरे लिए मैं जस्टिस नहीं कर पाई. तो सेफ्टी प्रोसेस में हमको हमारे कुछ रूल्स इतने चेंज और इतने स्ट्रिंजेंट रखने चाहिए कि कोई भी कुछ करने से पहले सोचे 10 बार. शालिनी जो बनना चाहती थी, क्या शालिनी बन गई कि और कुछ अभी सपने रह गए हैं? आज जिस स्टेज पे हूँ, मैंने इतना सपना तो आई डिडंट हैड थॉट ऑफ अक्रॉस. या जब भी मैं करियर में घुसी तो मैं डैड इतना ही बोलते थे कि अगर तेरे को 4 घंटे चेयर पे बैठना है, जस्ट हैव अ डिग्री. क्या होता है, हम सीएमएम प्रैक्टिस भी कर पाते हैं और हम जॉब में भी रह सकते हैं. तो माय डैड हैड ओनली वन, की उनकी 2 डॉटर्स, हम लोग 2 डॉटर सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर है, तो उनका यही था कि मेरे को बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन देना है. तो ही जस्ट वॉन्टेड कि मेरी डॉटर्स ठीक है, हाउस वाइफ एक टैग, इट्स नॉट दैट कि वर्किंग लेडी बनना है, बट थोड़ा फ्रीडम, इंडिपेंडेंस एंड खुद की थॉट प्रोसेस होना है. एम वही था लाइफ में. और इट्स नॉट अबाउट पोजिशन, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट लाइक यू आर डूइंग समथिंग. आप अपने लाइफ में कुछ कर रहे हो, कुछ ऐड कर रहे हो सोसाइटी में, वैल्यू ऐड कर रहे हो, आप कुछ एग्जाम्पल सेट कर रहे हो. और आप 100% कोई भी, मैंने ये सीखा है कि आप 100% अपना कोई भी काम में दो, घर का काम हो वो भी कोई छोटा नहीं है, आप ऑफिस में दो, तो एंड ऑफ द डे सेटिस्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन बी अ बिग पोजिशन, यू कैन बी अर्निंग इन मिलियंस, बट आपको अगर सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस नहीं है, इट्स नॉट द वर्थ. लाइफ एक ही बार मिली, इट्स नॉट द लाइफ विच वी एम फॉर. आई थिंक एट दैट लेवल विद द सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम एवरीवेयर, आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड at where I've achieved and where I've reached. Definitely. ये इतना confidence और ये 19 साल तक का career आपने जो set किया, तो कैसे रहा? I mean, of course, इतना आसान तो नहीं था, जैसे कि आपने कहा, of course, face करना, personal and professional life को manage करके किया, तो ये inspiration कहाँ से बनती, कहाँ से आती प्रेरणा? प्रेरणा dad तो थे, बट सबसे बड़ी प्रेरणा, अगर मैं फैमिली में मदर भी है, बट मेरी ग्रैंड मॉम को मैंने जो देखा है, करंटली शी इज 90+, शी इज देयर, बट मेरे ग्रैंड फादर, दादाजी थे, वो बहुत जल्दी एक्सपायर हो गया था. मेरे फादर की पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई थी तब, उनकी शादी के पहले भी, तो ही वॉज द सेकेंड किड, आई मीन. और मेरी दादी, दे आर 8 siblings, 8 बच्चे उनको. तो द वे शी हैज ब्रॉट अप everybody, I think she is the greatest inspiration for me. And out of my family, if I see, to Indra Nohi ko main bahut follow karti hu, I'm a big follower. So she has been my inspiration. CFO तो आज आप हैं ही, साथ ही अगर देश चलाने का मौका मिले तो कौन सी चीज जिसे बदलना शालिनी चाहेंगी? जैसे हमने डिस्कस किया, एक सबसे बड़ा बेस तो एजुकेशन सिस्टम आज अच्छा कर रही है, गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, गर्ल चाइल्ड के लिए हर चीजें लेके आई, लेकिन फिर भी अगर हम फिगर्स देखते हैं ना, तो फिगर्स ये बोलते हैं कि अभी बहुत सारे अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन है जिनको ये फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है. तो अगर हमको सोसाइटी इम्प्रूव करना है तो सबसे पहले एजुकेशन फॉर ऑल में, उसमें और हमको थोड़ा एनलार्ज करके वो पार्ट हमको बढ़ाना चाहिए, उनके लिए कुछ करना चाहिए. सेकंड भी हमने जैसे डिस्कस किया सेफ्टी के ऊपर, सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हमको
लेवल लाना है कि मेल फीमेल आर एट द सिमिलर लेवल, तो सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसमें हमको जुडिशियरी, हमारा पूरा सिस्टम, दैट शुड बी एवरीथिंग फास्ट ट्रैक कोर्ट, एवरीथिंग शुड बी ऑन दैट. एंड द पनिशमेंट शुड बी सो हार्श, एज आई सेड, कि वो आदमी कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचे. इस नवभारत के सुपरमैन कैंपेन के जरिए आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बेसिकली दर्शकों को यही है, अगर मैं अपन ये वुमेन इस पे बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला है कि वुमेन को कि आप अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए, आप अपने इंडिविजुअलिटी वैसे के वैसे मेंटेन कीजिए. आज एक हाउसवाइफ हो कि एक वर्किंग वुमेन हो, बैलेंसिंग सभी को करना पड़ता है. इट्स नॉट दैट कि बैलेंस वर्ड वही है. और मैं ये मेन के लिए भी कहना चाहूंगी कि जब भी वर्क लाइफ बैलेंस, आप इतने इंटरव्यूज देते हो, मेल के लिए आता है क्या? कभी नहीं आता है. एक पर्सन अलग, वो भी काम करता है, लेवल वही है, वो भी जॉब करता है, बिजनेस करता है, व्हाई डज इट नॉट कम फॉर मेल? क्यों एक वुमेन को ही क्वेश्चन जाता है कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस, घर मतलब लेडीज ऐसे ऐड हो जाता है. तो ये कंसेप्ट थोड़ा चेंज होना चाहिए. इट्स फैमिली, इट्स ऑल पेरेंट्स, दोनों ही होते हैं माँ बाप के लिए, दोनों ही को इतना इम्पोर्टेंट टाइम देना होता है, सभी चीजें देनी होती. तो ये सोच एकदम निकाल देनी चाहिए कि गिल्ट एक, ठीक है आज इतनी 19 इयर्स की, मेरे को भी बहुत बार गिल्ट लगता था. कभी कभी मेरी डॉटर बोलती थी कि मामा मैं स्कूल से आती हूँ तो आप ही नहीं रहते, मेरे सब फ्रेंड्स की मामा घर पे मिलती है. तो गिल्ट चीजें हैं, बट ठीक है वो टाइम निकल जाता है, सबके सपोर्ट से निकल जाता है. तो आपको गिल्ट रहेगा बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस, पीसफुलनेस. आपको जो इच्छा है वो करो, आपको ब्रेक लेना है ब्रेक लो, आपको जॉब में है सेटिस्फेक्शन, आपको कुछ नया वेंचर करना है, एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, शुड डू दैट. बट यू शुड नॉट कंपेयर योरसेल्फ टू एनीबडी एल्स. सबकी लाइफ की स्टोरी डिफिकल्ट रहती है. व्हेन यू रीच अ लेवल यू बहुत अच्छा लगता है, तो ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड आपको लगता है, बट एक वो है. सेकेंड है कि आपको हर चीज नहीं मिल सकती है. मतलब मैं चाहूँ कि मैं बेस्ट वर्क में भी हो जाऊँ, ठीक है, मैं बेस्ट घर पे भी 100% मेरा कर पाऊँ, बच्चे को भी बेस्ट दे पाऊँ. एट टाइम्स यू हैव टू बैलेंस, यू हैव टू गिव अप समथिंग. आज अगर ठीक है मैं बोलूँ मेरे सीनियर्स मेरे को बोलेंगे नहीं वर्क वाइज अगर मेरे को 5 मिल रहा है 5 out of 5, आई कांट से दैट मेरी डॉटर बोल दे कि नहीं मॉम साइड में भी 5 out of 5 है. आई कांट शेयर लेवल में, उसको भी कुछ हो सकता है. तो वो एक्सेप्टेंस करके चलना चाहिए, वो एक फैक्ट. और थर्ड एक कमिंग जनरेशन के लिए बोलना चाहूंगी कि हमने जो मिड लेवल की बात की, बहुत बार यू हैव टू लीव योर कैरियर जॉब, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग एन एक्सट्रीम डिसीजन, आपको थोड़ा कहीं टाइम ऑफ लेके यू शुड बी देयर, शुड लीव योर कैरियर फुल्ली. एंड एक नया जो भी कंसेप्ट आया कि फुल्ली कैरियर वुमेन, वो भी बहुत गलत है. जहाँ कहीं हम देख रहे हैं तो कि आप अपना मतलब मातृत्व को छोड़ रहे हो, पीपल आर नॉट वांट टू हैव चिल्ड्रन, वो एक कंसेप्ट जो सोसाइटी में आ रहा है वो भी गलत है. एक्सट्रीम कोई लेवल पे नहीं जाना चाहिए. इट्स वन लाइफ, यू शुड ट्राई टू हैव एवरीथिंग बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ वन थिंग. तो आपको बैलेंस तो करना ही होगा किसी को भी, बट नॉट, don't go to the extreme. वाह गाइस, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा कंक्लूजन होगा यहाँ बैलेंसिंग. सो यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग, देन ओनली यू कैन रीच टू द मार्क. करेक्ट, वो तो है. शाली जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सुपरमैन कैंपेन से जुड़ने के लिए. हमारी और नवभारत की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच.